इस देश में एक समय था जब एक फैमिली डॉक्टर की तरह एक भूत प्रेत डॉक्टर भी होता था। लगभग हर परिवार इन चीजों के बारे में किसी से सलाह लेता था, क्योंकि ये विद्याएं इतनी ज्यादा फैली हुई थी। क्या इसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी या इसकी शुरुआत केरल में हुई थी? नहीं, मुझे लगता है कि आज केरल और बंगाल में सबसे ज्यादा बचा हुआ है। अन्य जगहों पर यह थोड़ा मिट गया है। मूल रूप से आप तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं। तंत्र विद्या अपनी ऊर्जा के इस्तेमाल से खास असर पैदा करने की एक विशेष तकनीक है, पर दुर्भाग्य से इसके बारे में बुरी बातें बहुत ज्यादा फैल गई हैं, क्योंकि बुरी चीजों की मांग ज्यादा थी, इसलिए लोगों ने इसका अच्छे से ज्यादा बुरा इस्तेमाल किया। इसके अच्छे प्रयोग भी होते हैं, ये किसी भी अन्य तकनीक की तरह है। आप इसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्भाग्य से बुरा इस्तेमाल अच्छे इस्तेमाल से बहुत ज्यादा होने लगा, तो लोगों को लगता है तंत्र विद्या मतलब कुछ बुरा होता है। नहीं, दुर्भाग्य से इसका बुरा इस्तेमाल होने लगा। इसके अच्छे प्रयोग भी होते हैं। अच्छे प्रयोगों से मेरा मतलब है आप इससे जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। आप लोगों की सेहत सुधार सकते हैं, उन्हें मानसिक परेशानी से मुक्त कर सकते हैं, बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। पर बुरी चीजों की मांग ज्यादा होने की वजह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसकी बुरी छवि बन गई है। तंत्र विद्या ऐसी होती है, देखिए अभी आप सभी के पास फोन है। मान लीजिए 100 साल पहले आपके पास एक फोन होता, सेलफोन होता, तो आप तंत्र विद्या जानने का दावा कर सकते थे, क्योंकि आप फोन निकालकर किसी से अमेरिका में बात कर पाते, सब कांपने लगते, ठीक है? हाँ या ना? तो तंत्र विद्या बस एक तकनीक है। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके किसी को संदेश भेज सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक तकनीक ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म हो रही है, तंत्र की जरूरत कम हो रही है, काफी तेजी से कम हो रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हम तंत्र विद्या के माध्यम से करते थे आज बिना उसके हो जाती है। आप व्हाट्सएप पे एक संदेश भेज सकते हैं, अब आपको यहां बैठकर किसी को संदेश भेजने के लिए फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा करने में बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा लगती थी, अब संदेश चला जाता है। तो संदेश भेजने के काम में अब तंत्र की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना तंत्र का मुख्य उपयोग एक अलग तरीके से संदेश भेजने के लिए होता था। आपने टेलीपैथी या टेलीकाइनेटिक्स और अन्य चीजों के बारे में सुना होगा, जिनमें कुछ दूरी से चीजें की जाती हैं, पर आज वे सभी चीजें सामान्य तकनीकों से हो जाती है। तो तंत्र या तंत्र की जरूरत कम हो रही है, जरूरत बस कम होती जा रही है, और शायद तंत्र विद्या की कई जरूरतें खत्म हो जाएंगी। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम ऐसा समाज बनाएं कि आपको जो भी चीज दी जाए उसका आप एक अच्छा उपयोग करें, तो तंत्र एक जबरदस्त संभावना हो सकता है, जैसे तकनीक एक जबरदस्त संभावना हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, ज्यादातर तकनीक का इस्तेमाल हथियार, बम, न्यूक्लियर बम और ज्यादा से ज्यादा विनाशकारी चीजें बनाने के लिए हो रहा है। उस तकनीक का इस्तेमाल कहीं और हो सकता था, पूरी तरह सकारात्मक चीजें की जा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मांग बुरी चीजों की है। तंत्र के साथ भी यही हुआ। आपके मुखर्जी मित्र, मैंने ऐसा सुना है कि तंत्र विद्या में केरल आज भी सबसे आगे है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है और फिर कुछ उत्तर पूर्वी राज्य हैं, लेकिन वहां की तंत्र विद्या काफी बुनियादी है, केरल की तंत्र विद्या काफी जटिल है। आप उत्तरी अमेरिका के कबीलों में भी तंत्र विद्या की काफी मौजूदगी पाएंगे, लेकिन बहुत बुनियादी तंत्र विद्या, मुख्य रूप से संदेश भेजने के लिए। पर अब उन सभी के पास स्मार्टफोन है, इसलिए इसकी जरूरत घट रही है। मुझे लगता है कि एक समय था जब कश्मीर में काफी तंत्र विद्या थी, बंगाल, केरल, उत्तर पूर्व और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग।